नमस्कार, लीगल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। बैंक की पासबुक खोने पर नई पासबुक बनवाने के बारे में प्रार्थना पत्र आपको किस प्रकार से लिखना है, आइए जानें इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देख करके आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद में लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय जी, उसके बाद में लिखना है बैंक का नाम, जो जिस भी बैंक की आपकी पासबुक खो गई है और नई पासबुक बनवाना चाहते हो उस बैंक का नाम लिखना है। इसके बाद में लिखना है आपको नीचे बैंक का पता लिखना है जहाँ पर वो बैंक है। उसके बाद में फिर आपको लिखना है विषय, विषय में लिखना है बैंक की पासबुक खोने पर नई पासबुक बनवाने के बारे में प्रार्थना पत्र, इस तरीके से आपको ये विषय लिखना है। उसके बाद में लिखना है मान्यवर, उसके बाद में फिर लिखना है निवेदन यह है कि मेरी बैंक की पासबुक खो गई है, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी बैंक की नई पासबुक बनवाने की कृपया करें। इसके बाद में फिर लिखना है आपको आपकी अति कृपया होगी। उसके बाद में लिखना है दिनांक, जिस दिन आप जो है ये प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं उस दिन की दिनांक लिखना है, दिनांक। उसके बाद में प्रार्थी प्राष्टिक के ऊपर हस्ताक्षर करना है प्रार्थी के। उसके बाद में प्रार्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में लिखना है बैंक का खाता नंबर। ये बैंक का खाता नंबर आप इसमें ज़रूर डालें। इस तरीके से आप जो है आपकी अगर बैंक की पासबुक खो गई है और नई पासबुक बनवाना चाहते हैं तो इस प्रकार आप जो है नई पासबुक बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। थैंक यू।